हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी, और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से, ब्रेकफास्ट लंच सब हो चुका है और इधर सुखा रखे थे कपड़े और धूप है आज बहुत ज़्यादा गंदी और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है सुबह से। आज मुझे एक्चुअली लंच नहीं बनाना था, बट फिर स्टाफ आया हुआ था तो स्टाफ के लिए मुझे लंच बनाना, फिर मैंने पुलाव बनाए और बस बैठ के आज काम कर रहे हैं। रात के छोले और चावल रखे हुए थे और पूड़ी रखी हुई थी, तो सुबह तो वही खाई ब्रेकफास्ट में। मैंने खाया ब्रेड बटर और चाय, और बंसल जी ने खाया, बंसल जी भी ने यही खाया और खा के चले गए। फिर हमने दोपहर में बनाए थे पुलाव, और इधर गुल्लू मैडम जो है हमारी अपनी पूरी शैतानी करके सो चुकी है। देखो मैं बाप, सो जा इसको क्या लग रही है गर्मी। आज मैंने एसी नहीं चलाया क्योंकि मतलब ठीक है मौसम, तो मुझे गेट खोल दो तो ऐसा फील नहीं होता। अब गेट खोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक है। तो बस चलो मिलवाती हूँ मैं आपको अपने स्टाफ से। चला दी है मोटर, आज फिर प्रॉब्लम कर रहा था, पानी नहीं है। और मेरी दीदी के बच्चे आए हुए थे तो उन्होंने, भाभी के बच्चे, तो वो लेके आते आम घर के लिए। और इधर ये बनाए थे हमने लंच में पुलाव, भर रहा है मेरा एक्वागार्ड भर रहा है, और ये प्योर वेलनेक्सेस का है, बहुत अच्छा है ये। दूध उदू सब का काम हो चुका है, और चलिए आपको मिलवाती हूँ हमारे दो अनमोल रतन, एक है नकुल एक है प्रिया। ये हमारा स्टाफ, ये भी प्रिया, ये हमारा स्टाफ, ये भी प्रिया, मतलब नकुल। नकुल आप स्टाफ हो ना, सर का भाई बिजनेस भाई, बड़े बंदे हैं। देखो सारा दिन लैपटॉप पे लगे रहते हैं। मैडम को देखो, मैडम ऐसे काम कर रही है पूरे दिग्गज, पूरे शान और शौकत से। फिर बोलना चाहेंगे बोलो। ये यहाँ पे अगर आपको मैंगो शेक दिया गया तो ये यहाँ पे 1 घंटे से पी के ग्लास रखा गया, और प्रिया ने इसी बात पे मैंगो शेक उठा लिया है। कह रही अभी दीदी मुझे बोलने वाली है कि दीदी एक ही पिया क्यों नहीं। प्रिया इतना टाइम लगता है तुम्हें, चाय पीने में 1 घंटा लगता है, तुम्हें मैंगो शेक पीने में 1 घंटा लगता है, हैं? नहीं लगता, लगता है ना। ये लड़की ड्रामेबाज है। छोटा बाबू उठ चुका है और अब इसका खुराफात दिखाऊं आपको। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से दीवार तोड़ तोड़ के खा रहा है। पता नहीं क्या गंदी आदत पड़ गई है आपको मिट्टी खाने की। डॉक्टर ने इसको पाउडर भी दे रखा है, पता नहीं इसको क्या हो गया, आजकल इतनी क्रेविंग हो रही है मिट्टी खाने की। यार प्लीज कोई मुझे दवाई बताओ ताकि ये मिट्टी खाना छोड़े, बहुत परेशान हो गई उसकी मिट्टी खाने से। वान वान, सो गाइस टाइम हो रहा है शाम के 7:45 और मैंने जो है थोड़ी सी डिनर की तैयारी करके रखी हुई है। इधर मैंने भिंडी काटी है जो मुझे 1 घंटा लग गया, नहीं आधा घंटा लगा मुझे भिंडी को काटने में, 1 किलो भिंडी थी। और इधर मैंने शिमला मिर्च कट करके रख दी है, और इधर पुलाव दोपहर के जो लंच में मैंने बनाया था वो बचे हुए हैं, और इधर कूड़ा पड़ा है। तो देखते हैं बंसल जी क्या खाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि क्या बनाएं। तो भाई भिंडी किस किस को बुरी लगती है काटनी, मेरे को बहुत बुरी लगती है। 1 घंटा मिनिमम मुझे लगता है भिंडी काटने में, आधा 1 घंटा मेरे हाथ इतनी बुरी तरह दर्द हो गया भिंडी काट के, बस मन नहीं कर रहा था यार। भिंडी बहुत बुरी लगती है यार, खाने में बहुत टेस्टी लगती है लेकिन बनाने में उतनी ही मुसीबत है। एक उसकी लेस लेस जो लग जाती है ना वो भी बहुत बुरी लगती है। तो चलो बंसल जी आते हैं, मिलते हैं फिर आपसे तब। चलो बेटा सो, इधर आओ, आओ इधर, चलो सो, चलो चलो मैडम सो। किसकी मैडम? गुल्लू की मैडम। चलो गुल्लू की मैडम कैसे हो सकती है, गुल्लू जब अपने स्कूल में जाएगा तब गुल्लू की मैडम बनेगी।
कौन फूटा? कौन फूटा? गुल्ला मेरा बेटा, बोलो पापा, बोल दे, बोल दे, अच्छा बोल दे, पापा मेरे प्यारे 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 पापा। दादू आ गए, दादू आ गए, अच्छा बोला था ना, दादू आ गए, मर्जी से बोलते है मेरे बाबू। अच्छा बता, बोल नानी, कुछ बोलिए नानी, ये एक ही चीज बोलेगा, बोल बोल मेरे पापा, नहीं बोलेगा दीक्षा, मुझे दिखता तो खाली दिखता क्यों बोलता है, मम्मा बोल, मम्मा बोल, अच्छा मम्मा बोल, दीक्षा ही पालेगी इसको, लग रहा है दीक्षा को डोनेट कर देते हैं। हाँ दे दे दीक्षा को, दीक्षा मासी को दे दे, मासी से पूछ ले पाल लेगी तेरे को, नहीं मना, मासी पाल लेगी, मम्मा सारे पैसे दे देगी मासी को पालने के लिए, मासी के पास रहेगी। अच्छा सुन, दीक्षा मासी के पास रहेगी, इधर बता, इधर बता, दीक्षा मासी के पास रहेगी, दीक्षा मासी के पास, दीक्षा मासी, दिखता दिखता, प्रिया बोलेगी नहीं, दीक्षा बोलती है, बोलना दीक्षा, बोलिए दीक्षा, बोल दे दीक्षा, अभी तरह आ रही है दीक्षा के नाम से, दीक्षा खड़ा करके गोली से उड़ा दूं मैं, मेरी बेटी को बिगाड़ने वाली तेरी मस्ती है, मस्ती दिखता दिखता दिखता, उई 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 गाइस, आज बंसल जी ने मुझसे एक कमिटमेंट लिया है कि मैं जो हूँ वो हाउसवाइफ बन के रहूँगी, मैं किसी भी उनके ट्रैवल के काम को या पूजा का जो मैं लड्डू गोपाल जी का काम करती हूँ और या फिर मैं जो व्लॉगिंग करती हूँ वो मैं सब छोड़ के मैं सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ बनूंगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हाउसवाइफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है जो मुझे निभानी चाहिए। क्यों बंसल जी? हाँ आज आपने कहा है ना कि भाई सोनिका अब से तुम अपना सब कुछ छोड़ के अब सिर्फ तुम परमानेंट हाउसवाइफ बन जाओ, झूठ मत बोलो। अब मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको आपका नंबर दे देती हूँ मैं, आप प्लीज़ उनके साथ डील कर लेना, ठीक है? उनकी टिकट्स बनानी, पैकेजेस बनाने, काम करने से मैं पहले नहीं। हाँ मैं वही तो, अब मैं घबरा रही हूँ एक्चुअली, मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ अपना बच्चा और अपने पति को संभालूँ, मैं आपके सिर्फ और सिर्फ चरणों की दासी बन के रहना चाहती हूँ। मैंने तो कोई कमिटमेंट नहीं ली, पहले तुम, मैं तो इसमें कह रहा हूँ साफ कि मेरी कोई कमिटमेंट नहीं, पहले आपने ही मुझे कहा था नहीं, आपने मुझे कहा था कि सोनिका अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई तुम अपना बिजनेस कैरियर वाला तो दिखा दिया, जबकि अभी मेरा बिजनेस बढ़ना था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बिजनेस कैरियर ऑन करो, कैरियर वाला क्या कैरियर, व्हाट इज दिस कैरियर। तुमने मुझे कहा कि भाई मैं अपनी शादी के टाइम पे ये चाहता था कि मेरी बीवी जो है वो एक हाउसवाइफ बन के रहे, मैं नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं तुमसे परमानेंट ये चाह रही हूँ कि मतलब जैसा आपने कहा है कि मैं हाउसवाइफ बनूँ, सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैं हाउसवाइफ बनूँ। तो अब मैं क्या बोलते हैं, सारे अपने क्लाइंट्स का आपको नंबर दे दूँगी, अब सारे घर का खर्चा आपकी जिम्मेदारी है, मेरे को एक रुपया भी नहीं चाहिए, बस मेरे जो मंथली के एक्सपेंसेस है अब वो भी आप ही बियर करोगे, कैसे करोगे वो आप जानो, मेरे कपड़े लेके आने हैं, मुझे कहीं जाना है, मतलब जैसे 50 रुपये मांगने, 100 रुपये मांगने, 500 रुपये मांगने, वो सब मैं अब आपसे मांगूंगी। लुगी नौटंकियाँ हो चुकी हैं चालू, और फोन गिरा दिया आपने, पता है आपको ये बात, सिंगापुर से लोग आए थे आपको आपसे मिलने, गिर जाएगी देख, फिर से गिरेगी,
इतनी चिड़कुकड़ी हो गई है ये। चला दूध बनाने चलते हैं। कह रही बाय 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 बाय। कैसे रोते हो आप? देख रहे हो उसके ड्रामे देखो। आ जाओ। ये पता क्यों रो रही है? इसको मिट्टी खाने जाना है वहां से।